नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सहरसा में एक कपड़ा व्यवसायी पर बीते रात जानलेवा हमला होने के बाद जिला व्यापार संघ के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिले के व्यापारी वर्ग के लोग गोल बंद होते हुए पुलिस प्रशासन से व्यापारियों को सुरक्षा देने के साथ साथ घटना में संलिप्त अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। जिले के व्यापारी वर्ग के लोगों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तार नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बीते रात शहर के एक कपड़ा व्यवसायी संजीत उर्फ गुड्डू अग्रवाल को अपराधियों ने सीने में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित कपड़ा व्यवसायी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़ित व्यवसायी का चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। अपराधियों द्वारा घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब कपड़ा व्यवसायी संजीत उर्फ गुड्डू अग्रवाल शहर के डीबी रोड स्थित अपने कपड़े की दुकान को बंद कर गंगजला स्थित अपने घर पहुंचे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। घटना में एक गोली व्यवसायी के सीने में लग गई। जी बताइए, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहेंगे? आए दिन अपराधियों द्वारा व्यवसायियों को टारगेट किया जाता है और हम लोग सारे व्यवसायी निधि होते हैं और हम लोग को पहला टारगेट बहुत आसानी से कर लेना, ये तो प्रशासन की विफलता कही जाए। और हम लोग मांग करते हैं कि आए दिन, कल जो सुजीत अग्रवाल के साथ जो घटना घटी, संजीत अग्रवाल के साथ जो घटना घटी, और वो डीबी रोड के व्यवसायी हैं और बहुत मधुर भाषा उनकी रहती है, और आज वो व्यवसायी वर्ग से आने के बावजूद भी सबसे मिलनसार है, उसके बावजूद भी उन्हें गोली मार दी गई। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी अपराधी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो हम लोग आगे इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए आना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी, सहरसा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।